नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत नवासी नंबर के, ठीक है, यानी कि 89 नंबर की क्लास को देखने वाले, यानी दोस्तों नवासी दिन का वीडियो है ये। और इस वीडियो के माध्यम से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं इस पर जो है बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग। तो दोस्तों अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार वीडियो पर आए हैं, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाइएगा, घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए ओमनीसेंट इंग्लिश के बारे में जानते हैं। देखिए अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है और पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिए, ताकि आपको एक से ले कर 88 तक के वीडियो की सारा वीडियो लिंक मिल जाए। वो भी दोस्तों यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा ओमनीसेंट इंग्लिश, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन में खोलने पर वीडियो के लिंक मिलेगा। देखिए अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना चाहते हैं, शुद्ध शुद्ध पढ़ना चाहते हैं, तो पिछले वीडियो को देखना नहीं भूलिए। आपसे मात्र 3 से 6 महीने के वीडियो से उम्मीद है कि 3 से 6 महीने के वीडियो देखिए। और देखिए वीडियो तो आप यूट्यूब पे हमेशा देखते ही रहते होंगे, तो क्यों ना पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हमेशा ही देखें, ताकि जिससे कि आपका व्यक्तित्व यानी कि आपका जो है आप कुछ सीख पाएँ अच्छे से। तो दोस्तों बिल्कुल ही नए तरीके से और नए अंदाज में दोस्तों ईजी स्टेप में सब कुछ सिखाया बताया जाता है ओमनीसेंट इंग्लिश के माध्यम से। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए इसके पहले 3 वीडियो आया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, यानी कि पद भेद शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो किसी वाक्य का एक एक अंश को ही जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको आठ प्रकार होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। इसका अर्थ यह है कि अंग्रेजी शब्द, चाहे अंग्रेजी शब्द जित के कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ड मीनिंग हो या होता है, उन सभी को जो है 8 भागों में बांटा जा सकता है, जो भी है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ संज्ञा इसे नाउन कहते हैं, सर्वनाम इसे प्रोनाउन कहते हैं, क्रिया इसे वर्ब कहते हैं, विशेषण इसे एडजेक्टिव कहते हैं, क्रिया विशेषण इसे एडवर्ब कहते हैं। सबको याद करना बहुत जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों को। संबंध पद जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं, और संयुक्त अवयव इसे कंजंक्शन कहते हैं, और लास्ट में विस्मय बोधक जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। दोस्तों देखिए ये सारे के सारे जो है 8 जो है जितने भी वर्ड मीनिंग है सब ये 8 भाग में आ जाएंगे, इसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए पहला वीडियो मैंने नॉन प्रोनाउन को लिया था, और देखिए ग्रामर पंडित नहीं बनना है, इसका ग्रामर के बारे में थोड़ा जानिए। नॉन प्रोनाउन क्या है, वर्ब एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन क्या होता है, कैसे यूज होता है, बस यही जानना है। और उसके बाद देखिए वर्ब का इस्तेमाल, वर्ब का सेकेंड जो वीडियो था इसका वर्ब का बारे में बताया था, फिर थर्ड वाला में एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में। आप देखिए यहाँ प्रीपोजिशन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन दोस्तों, तो इन प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो 6ठा है प्रीपोजिशन के बारे में, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, प्रीपोजिशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, प्रीपोजिशन के कौन कौन से जो वर्ड होते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन जिसको हिंदी में संबंध पद कहते हैं, और ये प्रीपोजिशन बहुत ही काम आता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो शब्द जो है नाउन प्रोनाउन को दूसरे शब्द के साथ संयुक्त कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, यानी एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ और एक प्रोनाउन के साथ दूसरे प्रोनाउन के साथ जो है जोड़ता है, संयुक्त कराने का मतलब जोड़ता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए प्रीपोजिशन के शब्द के कुछ उदाहरण देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं, इसी को जो जानना है दोस्तों। देखिए इन, अब देखिए इन इसका अर्थ होता है, मतलब हिंदी में देखिए मे भी बोलते हैं, अंदर ही बोलते हैं, भीतर ही बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी बोलते, जैसे कि रहने के हिसाब से भी बोलते हैं, जैसे कि ही लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन कोलकाता, ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। ही इज इन इन द रूम, ही इज इन द, या ऐसे करके भी बोलते हैं। अप है, आपका हिंदी ऊपर होता है, इस्तेमाल करने के लिए अलग से जो है आप सीखेंगे। तो अप मीन्स ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सिंस है, सिंस का मतलब से होता है, ये पास्ट में इस्तेमाल होता है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। देखिए उसके अलावा देखिए ऑन है, ऑन ऑन मीन्स ऊपर होता है, ऑन का मतलब ही ऊपर होता है, कोई चीज़ जब टेबल के ऊपर रहता है तो उसी सेंस में ऑन। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑफ का के की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ। उसके बाद टू भी इंपॉर्टेंट है, ये ऑफ कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर दोस्तों
जो इस्तेमाल होता है उसके बारे में देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादातर होता है ऑफ का, टू का, वाई का, बिफोर आफ्टर इस्तेमाल होता है, एट इस्तेमाल होता है, विथ इस्तेमाल होता है, इसके अलावा अप भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंस, बिलो, ये सब जो है थोड़ा सा कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सभी घर आपको बोलने में जब आपको आएगा तो पता ही नहीं चलेगा हिंदी क्या है। तो जब ये सब याद रखिएगा, इसका ये क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है, इसको लर्न करना है। अगर लर्न नहीं कर पाइएगा तो जाहिर सी बात है आपको जब बोलना होगा तो, या बोलना नहीं भी होगा, कहीं कहीं जगह लिखा भी नहीं रहेगा तो आपको लगाना होता है। इसलिए तो आइए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है उसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, याद कर लीजिएगा सबको, लिख लीजिए कहीं कॉपी पे आप इसे। और देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण इस्तेमाल करना है, जैसे कि गो वेंट, देखिए एक नंबर में है गो वे, यहाँ एक नंबर देखिएगा, गो वेंट केम सेंट रिच, इन सारे शब्द यानी वर्ड मीनिंग के बाद कोई जगह, मतलब कोई जगह रहता है, इसके बाद कोई जाहिर सी बात है कि कहीं जाया जाता है। ये देखिए प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, ये भी है, ये प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है। तो अब कोई जगह है, मान लीजिए आगरा, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, बनारस, बेंगलुरु, कुछ भी, मध्य प्रदेश, भोपाल, कुछ भी है, छत्तीसगढ़, रायपुर, कुछ भी है, जो भी कोई जगह स्थान है, तो वहाँ पर टू प्रीपोजिशन को लिखना होता है। जैसे आई गो टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, आई केम टू दिल्ली, आई सेंट टू दिल्ली, इस तरह से आई रिच टू कोलकाता, इस तरह से। तो टू लगाना होता है, ठीक है, यानी कोई स्थान के पहले टू लगाएंगे, यानी एक तरह से देखा जाए तो इन सारे वर्ड यानी गो, वेंट, केम, सेंट, रिच के बाद टू प्रीपोजिशन को लिखना ही लिखना होगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर पे याद रखिएगा कि बड़ा कैपिटल रहता है, बड़ा, जब बड़ा शहर, मेगा सिटी बोलते हैं, मेट्रो सिटी को बड़ा शहर बोलते हैं, जो कैपिटल है या शहर है, उनके पहले, सिटी के पहले इन प्रीपोजिशन को, ठीक है, इन मैंने में होता है, प्रीपोजिशन को और जोड़ेंगे। और जब छोटा शहर है, मान लीजिए छोटे छोटे शहर है जो कि मेट्रोपॉलिटन नहीं है, मेगा शहर नहीं है, वहाँ उन शहरों को पहले ऐट का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल में आप देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली क्या है कि मेट्रो सिटी भी है और पूरे देश की राजधानी भी है और बड़ी कैपिटल भी है। तो यहाँ पर दोस्तों जब बात करेंगे तो ही लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली के पहले इन आया है, ठीक है, इन आया है, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी, बहुत बड़ा कैपिटल है, मेट्रो सिटी है। देखिए वह इसी तरह दोस्तों जब बात करेंगे ही, वह खिद्रपुर में, यानी कि ही इज एट खिद्रपुर। अब देखिए यहाँ खिद्रपुर एक छोटा जगह है, ये एक शहर नहीं, एक छोटा सा कहा जाए तो एरिया है, और एरिया है, छोटा सा शहर भी नहीं है, मान लीजिए छोटा शहर भी रहता है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं भी ले लीजिए, छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं राज्यों में, तो जैसे कि बरेली है, यूपी का बरेली है, गाजीपुर है, ठीक है, तो ये बनारस है, तो ये सब जो अगर स्थान रहता तो वहाँ पर ऐट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो ही इज़ ऐट खिद्रपुर, ही इज़ ऐट बनारस यानी वाराणसी, ही इज़ ऐट इलाहाबाद, इस तरह से। लेकिन जब बात करेंगे कि ही इज़ इन, ऐसे रहता, ही इज़ इन कोलकाता, वह कोलकाता में, ही इज़ इन दिल्ली, ही इज़ इन बेंगलुरु, इस तरह से। तो बड़े शहरों में इन, ठीक है, बड़े शहरों में इन, छोटे शहरों में एट, सिंपल तरीका से याद रखिएगा, बड़े शहरों में इन, छोटे शहरों में एट, टू का इस्तेमाल तो आप समझ ही गए। अब देखिए उसके बाद जो है बंगलुरु से, यानी फ्रॉम के बारे में जानेंगे, ठीक है, फ्रॉम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम, बंगलुरु से, इसका इंग्लिश हो जाता है फ्रॉम बंगलुरु, यहाँ से, फ्रॉम हेयर, या बोलना होगा कभी वहाँ से तो फ्रॉम देयर, वहाँ से, तो से जो आता है इससे, इसका मतलब होता है फ्रॉम, और बहुत ये प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम बेंगलुरु, आई एम फ्रॉम चेन्नई, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम रांची, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम रायपुर, आई एम फ्रॉम भोपाल,
इस तरह से आप बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई एम फ्रॉम शिमला, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो फ्रॉम लगा के कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको बोलने भी इजिली आ जाएगा। तो आप सेंटेंस नहीं अगर नहीं बोलने आता है तो आप यहाँ से आज ही से बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम करके आप किसी भी स्थान का नाम बोल सकते हैं जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ये प्रीपोजिशन का कितना इम्पोर्टेंस है आप इससे ही समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जब भूतकाल होता है यानी कि जब पास्ट होता है वहाँ सेंस लगाते हैं, सेंस का मतलब होता है से, इसका मतलब इससे होता है। और दोस्तों देखिए, जैसे पिछला रविवार से, यानी कि इसको लिखेंगे सेंस संडे, कोई वाक्य जिसमें लास्ट यानी पिछला रविवार या पिछला कोई दिन कुछ तारीख हो तो सेंस लगा के बोलेंगे, ठीक है। तो सेंस संडे, पिछला रविवार से, पिछला सोमवार से, सेंस मंडे, फिर सेंस ट्यूजडे, सेंस वेडनेसडे, सेंस थर्सडे, सेंस फ्राइडे, सेंस संडे, इस तरह से जो है आप बोल सकते हैं। सेंस जब भूतकाल हो, जब पास्ट हो, तो वहाँ से के लिए जो है, से के लिए जो है दोस्तों सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंस का इस्तेमाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंस दोस्तों। इस वीडियो में यहीं तक प्रीपोजिशन को, सारे प्रीपोजिशन के वर्ड को याद कर लीजिए जो महत्वपूर्ण था, और आगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगा तो आपको पता चल जाएगा प्रीपोजिशन कहाँ का इस्तेमाल करना है। तो आपको प्रीपोजिशन का लिस्ट को जो है याद करना होगा, ठीक है। तो लिस्ट जो प्रीपोजिशन का लिस्ट है जो पिछला स्लाइड में है, आप देखें, आपने देखा जिसको मैंने कहा लर्न कर लीजिए, उसको आप लिख कर याद कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो में ही तक, वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, सभी से आग्रह है कि शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में आप जान पाएंगे दोस्तों। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।